क्लास 6 to 8 के लिए ये वीडियो है मैथमेटिक्स बेसिक वीडियो है, सभी लोग ध्यान से समझें। क्वेश्चन है ऐड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले जब हम ऐड करते हैं वेरिएबल्स को, किसको, वेरिएबल्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कौन कौन सी हैं। अब इसमें सबसे पहले बात आती है एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। देखिए फर्स्ट में एक्स स्क्वायर था, सेकंड में है 3x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर आर द वेरिएबल टर्म बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसके आगे 3 है यहाँ पर तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन हमें देखना होता है बेसिक एक्स स्क्वायर। सो लाइक टर्म अब हमें ऐड करना है, तो इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐड के लिए प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर प्लस किया तो ये आया 4x स्क्वायर, 4x में 5x प्लस किया तो ये आया 9x, 8 में 6 प्लस किया तो ये आया 14। सो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सबसे पहले आपको एक बात और सीखनी है कि ऊपर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। असेंडिंग होता है बेटा छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। अब आपसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर और 5x में बड़ा कौन सी टर्म है, तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर। अब यदि कोई आपसे पूछे कि सर एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर में कौन सी बड़ी है, तो आप बोलेंगे 5x स्क्वायर। यदि आपसे देता है कि एक्स स्क्वायर और 100x में से बड़ी कौन सी है, तो भी हम अपना आंसर देंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन है ऐड करिए 3x स्क्वायर प्लस 100x प्लस x³ और दूसरी टर्म है x³ प्लस 60x प्लस 100x² तो पहला काम आपको इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे, बड़े से छोटे पर जाएंगे। फर्स्ट टर्म है x³ पहले आएगा, 3x², उसके बाद प्लस 100x। इज इट क्लियर, आंसर इज यस। सेकेंड टर्म x³ प्लस 100x² प्लस 60x, क्लियर। ऐड करने का तरीका ये भी होता है, ऐड प्लस करना है, प्लस कर दीजिए x³ 2x³, 100 एंड 3x² 100 प्लस 60 160x, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आप इसी के जैसे 10 क्वेश्चन अपने आप बनाकर सॉल्व करें और अपने टीचर्स को वो भेजें। सभी को अपने टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर मालूम होंगे।